नरक एक धार्मिक और मिथ्याई संस्कृति में अधोलोक का नाम है। इसे दुख, शास्त्र, यातना और दंड के स्थान के रूप में समझा जाता है। नरक के बारे में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ कुछ धार्मिक संस्कृतियों में नरक का विवरण होता है। एक, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में नरक को संसार के अंतिम और अत्यंत दुखदायक स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जहां दुष्ट आत्माएं यातना में रहती हैं। नरक की श्रेणियों में अलग अलग प्रकार के दंड और यातनाओं का वर्णन होता है। दो, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में नरक को अधोलोक के रूप में वर्णित किया गया है, जहां दुष्ट आत्माएं अत्यंत दुख और पीड़ा में रहती हैं। तीन, जैन धर्म। जैन धर्म में भी नरक को अंधकार, दुख और यातना का स्थान माना जाता है, जहां दुष्ट आत्माएं पाप के फलस्वरूप अनेक यातनाओं को झेलती हैं। सार्वजनिक धारणा के अनुसार नरक एक अवस्था है जिसमें आत्मा पाप के फलस्वरूप दुख और पीड़ा का अनुभव करती है। इसे न्याय और कर्म के अनुसार उसके किए गए कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार लोग नरक में जाने के लिए अपने कर्मों के अनुसार योग्यता दिखाते हैं। नरक जाने के लिए व्यक्ति के कर्मों में अत्यधिक पाप का घटित होना आवश्यक होता है। हिंदू धर्म में नरक जाने का कारण अत्यधिक पाप करना, अधर्म करना, दुराचार करना, अन्याय करना और धार्मिक नियमों का उल्लंघन करना हो सकता है। बौद्ध और जैन धर्मों में भी नरक में जाने का कारण अपवृत्ति और पाप कर्म करना होता है। सामान्यतः नरक जाने के लिए व्यक्ति को अपवृत्ति, पाप और अन्याय के कारणों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में धार्मिकता, नेक कर्मों का अनुसरण और उचित जीवन शैली का पालन करने का महत्व जोर दिया गया है, जो नरक से बचने में मदद कर सकता है।